तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो है चाइनीज़ चिली चिकन पर। तो ऐसे ही और ब्लॉग देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा तरुण फैमिली ब्लॉग। तो देखते हैं हम आगे कैसे बनाते हैं चाइनीज़ चिली चिकन। तो चलिए वेलकम दोस्तों। तो हमने कढ़ाई में तेल रख लिया है और सारा मटेरियल काट के रख लिया है। प्याज, शिमला मिर्च, ग्रीन चिली और दोस्तों रेड शिमला, येलो मिर्च यानी कि येलो शिमला मिर्च। तो पहले हमने दोस्तों पकौड़े बनाने थे चिकन के, हम चिकन ला कर लेकर आए हुए थे। तो फिर मुझे आइडिया है कि चलिए चिली चिकन बनाते हैं, चाइनीज़ चिली चिकन। तो हमने ये प्याज है बीच में, देखिए कितने अच्छे शिमला मिर्च येलो रेड ग्रीन है। तो हम इसको चला लेते हैं। तो तेल हमने पहले धरा हुआ था गर्म करने के लिए, तो हम इसको चला रहे हैं। तो इसमें जैसे हल्के हल्के ब्राउन होते हैं तो हम आगे आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ना, वीडियो हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो इजी तरीके से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको दिखा देंगे कैसे बनता है। तो हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट पा दिया है और हमने काटे हैं सिर्फ प्याज, गाजर, ग्रीन चिली, ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च, वो जो कि हमें मार्केट से मिल गई थी। तो हमने सोचा चलिए इसमें पा देते हैं। तो कोई नहीं, इसको हल्का ब्राउन कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम थोड़े से हमने टमाटर काट लिए हैं, एक टमाटर पा दिया है, तो ये भी अच्छा लगता है बीच में पाया हुआ। तो कई लोग पाते हैं, कई लोग नहीं पाते हैं दोस्तों। तो हमने इसमें अजीना मोटो पाया है जो न्यूडल्स में पड़ता है। तो उसके बाद हम दोस्तों डालेंगे इसमें सिरका, तो विनेगर जिसको कहते हैं, ये डाल दिया गया है इसमें। तो इससे थोड़ा खट्टापन आता है और जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हो कि इसके बाद हम जो इसमें ऐड करेंगे वो करेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस उठा लेते हैं और बारिश दोस्तों रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो बारिश बहुत तेज़ है। तो हम आप ही कुकिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें कुकिंग का बहुत ही शौक है ऐसी चीज़ें बनाने का। तो हमने इसमें दोस्तों सोया सॉस डाल ली है। तो इसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे वो आपको आगे दिखाते रहेंगे। तो हम आपको इसमें इसको थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन करके, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी और जो गरम मसाला वो डाल लेंगे। पहले हम इसको ये डाल लेते हैं, हरी मिर्च, लाल मिर्च और नमक, जैसे तुम खाना चाहो उसे रख सकते हो। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल्का, जब तक ये पक ना जाए, जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम इसमें चिकन जो कि हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था पकौड़ों के लिए, तो हमने सोचा कि चलो फुलकों के साथ भी खा हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए डाल दिए इसमें। तो इसके बाद जो प्रोसीजर है बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब बनता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद दोस्तों जो मेन मसाला होता है ना, इसमें एक काम करता है वो मैगी मसाला। तो चलिए पहले मैगी मसाला डाल लेते हैं इसमें, जो एक पैकेट पूरा का पूरा आपने डाल देना है मैगी मसाले का, उससे टेस्ट एकदम लाजवाब बन जाता है। और दोस्तों स्वाद उसका जो आता है ना, आप एक बार डालोगे तो आप दोबारा मैगी मसाला बार बार लेकर आओगे। तो चलिए दोस्तों हमने इसमें मैगी मसाला सारा का सारा छिड़क दिया है। तो फिर एक बार हम इसको चलाएँगे थोड़ा सा। तो बारिश जो है वो दोस्तों बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू पड़ रही है सुबह से। तो चलिए हमने इसको चलाते हैं, तो ये हल्का हल्का थोड़ा पक जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों ये चिली चिकन का ब्लॉग मेरा दूसरी बार आ रहा है, क्योंकि दूसरा कोई और था नहीं बनाने को, मैं सोचा कि चलो यही बना लेते हैं, तो आपको आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम चिली सॉस पाएंगे, जो रेड चिली सॉस है वो डाल दी हमने इसमें। तो इसके बाद फिर से हम इसको चलाएंगे। और इसकी दोस्तों रंगत के लिए हमें खासकर एक चीज़ और डालनी होती है, वो है दोस्तों रेड कलर। तो रेड कलर डालने से दोस्तों इसमें एक बहुत ही अच्छा, जैसे कि ना देखने में लगता है, जैसे लुक बहुत अच्छी आती है। तो हम इसमें रेड कलर डाल रहे हैं। तो इसको डालने के बाद इसकी रंगत देखिएगा डिफरेंट हो जाएगी, बहुत ही डिलीशियस हो जाती है और खाने में देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो चलिए हमने इस कलर डाल दिया है कलर फूड। तो उसके बाद फिर हमसे हम एक बार चलाएंगे, क्योंकि हमारा जो चिल्ली चिकन है ना बनकर बिल्कुल रेडी है। जो बाकी की ऊपर ली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हमें वही करनी होती है, जैसे कि मान लो हमने मीठी सॉस डालनी है जो टमाटो सॉस, उसके बाद दोस्तों हमने हरा धनिया काट कर डाल लेना है। तो आप देख सकते हो इसकी रंगत, और उसके बाद ये हमारी टमाटो सॉस आ गई है। ये जितनी चाहे जितना तुम मीठा रखना चाहते हो या खट्टा मीठा रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो।
तो उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे सिर्फ काट कर धनिया और गर्म मसाला, बस ये दो चीज़ें प्रोसेसिंग में रह गई हैं, बस ये दो चीज़ें डालनी हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा चीज़ चिली चिकन तैयार है, चिली चिकन चीज़ के यार हमें चिली चिकन तैयार है, तो चाइनीज़ चिली चिकन। तो आप दोस्तों एक बार घर पर ट्राई जरूर कीजिएगा और फिर आप बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो हमने गर्म मसाला डाल दिया है पूरी तरह से, और वीडियो दोस्तों हमने ना फास्ट की ना फॉरवर्ड की है, बिल्कुल आसानी से आपको दिखा रहे हैं कि आपको देखने में भी अच्छा लगे। तो काफ़ी लगता है, बाकी टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। तो पहले मैं इसके ऊपर धनिया काट कर डाल देता हूँ, धनिया काटने के बाद दोस्तों फिर मैं टेस्ट करके बताऊँगा कैसा बना है। तो ठीक है, तो हमने चलिए धनिया उठा लिया है, तो धनिया के लिए चाकू का आ गया, चाकू नहीं मिल रहा, तो मिल गई है कर्द, तो मिल गई। चलिए अब डाल लेते हैं हम इसके ऊपर धनिया, और धनिए के बाद फिर हम इसके करेंगे टेस्ट। धनिया मैं ज़रा धो रहा हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ इसको टेस्ट। चलिए अब धो लिया है धनिया, तो काट के पा दें। तो दोस्तों आज कुछ बनाने के लिए था नहीं व्लॉग में, इसलिए हमने ये रेसिपी एक बार से फिर ट्राई की, कुछ नया यूनिक लाएंगे और आपको इसमें सारे तरह के ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे देखने को। तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक हमारा दूसरा भी चैनल है A to Z मूवी रिव्यू, प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करिएगा। अगर आप मूवीज़ के प्रति को रिव्यू देखना चाहते हो तो आप उसमें देख सकते हो A to Z मूवी रिव्यू, ये सर्च मारिएगा लिखकर, तो आपके सामने काफ़ी वीडियोज़ निकल कर आ जाएंगी। तो बस यही था हमारा, और पा लिया है हमने प्लेट में, और खा के फिर टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है कैसा नहीं। तो बाकी दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। गाइस हम एक बार इसका टेस्ट कर लेते हैं कैसा है इसका टेस्ट, पहले ऑनियन से टेस्ट करते हैं। इट्स गुड, इट्स नाइस, वेरी नाइस, क्योंकि ये मेरी फेवरेट डिश है, इसको मैं दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ। वेरी नाइस, स्पाइसी है, ज़्यादा मिर्च मसाला भी नहीं पाया। तो आपको जो हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल, और लाइक करना और कमेंट करना। सो थैंक यू दोस्तों।